चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूते होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानते हैं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी चैतन्य लोक विहारी होते हैं। प्रति समय
जागृति चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त जिसका देह के परमाणु और रागादि विकल्प में विस्तार ही नहीं हुआ, ऐसा मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा भूतकाल में अनंत दुख के पर्याय उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, भविष्य में भी अनंत सुख की पर्याय उत्पन्न होगी और नष्ट होगी, फिर भी एक समय की पर्याय जिस चैतन्य मात्र ज्ञायक देव को स्पर्शती भी नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यह मैं हूं, यह मैं हूं। ऐसे स्वीकार के काल में भी स्वीकार करने वाली पर्याय का ऐसा अभेद होना कि यही मैं हूं, विकल्प का अवलंबन लेकर नहीं, पराये का अवलंबन लेकर नहीं, अपनी पर्याय अपने द्रव्य को मिले और पराये के अवलंबन की जरूरत पड़े, ये पराया ये जड़ विकल्प है। यह विकल्प जो चैतन्य तत्व विचार के दौरान चलता है कि मैं ज्ञायक देव हूँ, मैं ज्ञायक देव हूँ, ऐसे तत्व विचार से ही एक समय के लिए ये बाहर के समस्त परज्ञेयों से अलविदा हो जाना, क्योंकि जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में लीन हुई उपयोग स्वसन्मुख हुआ, जगत से उपयोग हटा, पर द्रव्य से उपयोग हटा, पर भाव से उपयोग हटा और उपयोग उपयोग में लीन हुआ और एक समय की वह निर्विकल्प अनुभूति कितने भी सूक्ष्म विकल्प उस अनुभूति के काल में होते हो, फिर भी द्रव्य का जो आश्रय है वह आश्रय में कुछ भी कमी नहीं। इसलिए ये कहा चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि हो तो भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, परोक्ष नहीं होती, स्व संवेदन प्रत्यक्ष, क्योंकि जो अनुभूति हुई इसी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के आश्रय से ही तो वितरागता में व शुद्धता में वृद्धि होती है, ज्ञायक देव के आश्रय से। जब भी बाहर में प्रतिकूलता आती है, जब भी बाहर में कष्ट आता है, अज्ञानी उसका बचने का उपाय खोजता है, बाहर इतनी सर्दी है बेहतर ये होगा कि मैं अपने घर में ही रहूं, बाहर न निकलूं, उपाय खोजता है कि बाहर में जो प्रतिकूलता है उन प्रतिकूलताओं से मैं बचूं। शत्रु आया, शत्रु से बचने के लिए घर में ही रहूं, कोई बीमारी आई, बीमारी मुझे न आए इसलिए मैं अपने घर में ही बैठा रहूं। जैसे अज्ञानी प्रतिकूलताओं से बचने के लिए अपने घर में रहता है, बाहर नहीं निकलता, और ज्ञानी के लिए प्रतिकूलता और अनुकूलता नहीं, ज्ञानी के लिए यह विकल्प
राग और द्वेष के विकल्प, उन विकल्पों से बचने के लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता तो परद्रव्य है, उनसे तो क्या बचना। वे तो दुख के कारण भी नहीं, जो दुख के कारण नहीं उनसे क्या बचना। मगर जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग और द्वेष का विकार, ये विकारी भाव से बचने के लिए जैसे ही आग में हाथ लगे और तुरंत ही बचने के लिए कि ठंडे ठंडे दूध में हाथ डाला कि बस वो जो जला था उससे अब थोड़ी तृप्ति होगी, मगर वो जलन इतनी हो। और ज्ञानी की वे दशा ऐसे विकल्प से जब जलन होती है तब फिर विस्पर्शना करते त्रिकाली ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव की। ये निज घर में वे विराजमान होते हैं, उपयोग स्वसन्मुख होता है, मगर परद्रव्य से नहीं, ये विकल्प से, विकल्प की जलन। वो जलन का एहसास तब होने लगता है अनुभूति से पूर्व। ये जलन का एहसास क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में जब ये मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, उससे पूर्व ये विकल्प चलते थे, वह विकल्प भी जलाने वाले लगते थे। जल रहा हूं मैं विकल्प की आग में, यह भी तो एक राग का विकल्प है, उसमें भी मत अटकना। इस राग के विकल्प में भी मत अटकना, एक ही यात्रा। वह राग के विकल्प की यदि यात्रा होगी तो दूसरी और यात्रा गई, जड़ की और यात्रा। इसलिए जो एक मार्ग पर चले वही मंजिल तक पहुंचता है। एक मार्ग पर, जो एक मार्ग पर चले वही मंजिल तक पहुंचता है, इसलिए वह एक मार्ग है। चैतन्य 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 चैतन्य, यह तत्व विचार। भेद ज्ञान होगा मगर भेद ज्ञान अनुभूति से पूर्व, ये भेद विज्ञान होगा मगर भेद विज्ञान में चैतन्य 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 पर ही जोर होगा। सिर्फ जो मैं नहीं हूं उसे जान लेगा, मगर उसके विशेषों में, उसमें अंदर 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 जाकर विशेषों में न जाए, जिससे कि अपना लक्ष्य न चूक जाए। एकमात्र चैतन्य चैतन्य की ही धुन। इसलिए जिस मार्ग पर यात्रा करनी, रास्ते में और भी मार्ग है, मगर जो मार्ग और है उन मार्गों पर जाना नहीं है। नजर गई, ध्यान गया, मगर फिर तुरंत ही ध्यान हट गया, क्योंकि मुझे अपने मार्ग पर यात्रा करनी है। बस इतना जान लिया कि यह मार्ग मेरा नहीं, जिस मार्ग पर मुझे यात्रा करनी। यहां पर ज्ञान की यात्रा ज्ञान के मार्ग पर ही हो रही है, इसलिए यह यात्रा का तुम्हें एहसास होता है, ये यात्रा हो रही है। ये जानना 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 ये यात्रा है। बेहोश व्यक्ति इस यात्रा में जो सत्ता मात्र टिका चैतन्य, उसमें एकत्व कर उसके आनंद से वंचित रहते हैं। और ज्ञानी इस चैतन्य की ध्रुवता, मैं चैतन्य ऐसी ये चैतन्य की ध्रुवता में एकत्व कर आनंद को भोगते हैं। ये पर्याय सफल हुई, क्योंकि इस पर्याय में पुरुषार्थ का फल वर्तमान में भोगा, वर्तमान में ये ज्ञान ज्ञायक में स्थित होते ही बस वर्तमान में आनंद भोगा। ये चैतन्य की यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा, ये मेरी यात्रा हो रही है। परमाणु का तो ऐसा सहज संयोग है, तीन लोक में अनंत परमाणु है। अब अनंत परमाणु में ये देह के परमाणु, दोनों में अंतर नहीं दिखता। इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है ज्ञान की यात्रा को जिसने
यथार्थ रूप में समझा और ज्ञान की यात्रा में चैतन्य की ध्रुवता को समझा। सुमेरु पर्वत के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के कारण जैसे तुम नहीं मानते कि मेरे भीतर यहां जो जानना जानना हो रहा है, आत्मा की पर्याय में जो जानना जानना हो रहा है, वह सुमेरु पर्वत के परमाणु के कारण, सुमेरु पर्वत के परमाणु के कारण हवा चलती है। सुमेरु पर्वत के परमाणु से हवा टकराती है, मगर जो हवा सुमेरु पर्वत के परमाणु से टकराती है और उससे मुझे कोई हवा का ज्ञान नहीं होता। ठंडी ठंडी हवा बहती है और सुमेरु पर्वत के परमाणु के साथ टकराती हो, उससे मुझे ठंडे का ज्ञान नहीं होता, शीतलता का कोई अनुभव नहीं। पर क्या संबंध है? हवा टकराए सुमेरु पर्वत के परमाणु से, मगर मुझे ठंडे का ज्ञान नहीं होता। सम्यक दृष्टि की ऐसी ये चैतन्य की ज्ञान की यात्रा में श्रद्धा कि सर्दी के दिन में ठंडी हवा चलती है और यह शरीर के परमाणु को ठंडी हवा का स्पर्श होता हो, ऐसी ही जागृति के बल पर तो मुनि धर्म का पालन होता है। ऐसी जागृति वन में तो कोई मकान की दीवार नहीं, कांच की दीवार नहीं, वन में तो एकमात्र राख की दीवार। राख की दीवार को ठंडी ठंडी हवा छूकर के आगे जाती हो, मगर जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणु को हवा का स्पर्श होता हो और उस कारण से मुझे ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी मानते हैं, ऐसे ही मुनि मानते हैं, ठंडी हवा के चमड़ी के साथ में स्पर्श होने से ये जो ठंडे का ज्ञान हुआ है, उसी समय ज्ञान हुआ ऐसा लगता है ना, कि ये ठंडी हवा शरीर को स्पर्श करती है और मुझे ये ज्ञान हुआ ठंडे का। मगर श्रद्धा में ये कि इंद्रिय के परमाणु जो है उसे हवा ने छुआ, इस कारण से मुझे ज्ञान हुआ, ये बात उतनी ही झूठी है जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणु को हवा का स्पर्श हो और मुझे ज्ञान हो। ये ज्ञान की यात्रा, इसलिए देह के परमाणु में पुद्गल परमाणु का स्पर्श होता हो, मगर उस समय भी ज्ञान ज्ञान और ज्ञान मुनि धर्म का वन विहारी संत भगवान वन में विहार करने वाले चैतन्य के उपवन में विहार करती ज्ञान की पर्याय वहां पर वन में विहार करते हैं। ज्ञान 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 ये जानना 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 ये जो यात्रा होती है, ये यात्रा के दौरान ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु के कारण ये ज्ञान की यात्रा हो रही है ऐसा नहीं। देह के परमाणु ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर देह के परमाणु भी देह के कारण ज्ञान में जानने में नहीं आते। ये देह के परमाणु के न होने पर मेरा काम कैसे होगा? कार्य अटक जाएगा। तो यदि कार्य अटक जाए तो देह का ध्यान रखने का ऐसा भाव आए कि मैं देह की सेवा चाकरी करूं, मेरा काम अटकने वाला है। मगर मैं चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की यात्रा, ये जानना 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 ये यात्रा हो, मैं निगोद में था, मैं मनुष्य हुआ, कीड़े मकोड़े में से घूमता फिरता
स्वर्ग और नरक की यात्रा करता करता ये यात्रा ही सब झूठी यात्रा है। अंतर में ऐसा श्रद्धा का जोर कि ज्ञान की यात्रा ही यात्रा है, ये जानना 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 यात्रा है। इसलिए एक ही यात्रा, इसलिए वन में विहार होता है। मगर प्रति समय ये जागृति, मुनिराज वन में विहार करते हो, मगर विहार करते समय भी ये जागृति कि ज्ञान में जो ये जानना जानना हो रहा है, ये ज्ञान का विहार हो रहा है। और वो विहार रुकता नहीं एक समय के लिए, निर्दोष विहार हो रहा है। विहार, मुनिराज का विहार, पैर में चप्पल नहीं। ये तो सब आजकल के झूठे ये खेल चालू हुए कि कपड़े के चप्पल, कपड़े के चप्पल साधु को नहीं होते, वो तो नग्नता। कपड़े के छूकर के वो विहार नहीं करते, वहां तो नग्न विहार होता है। कपड़े को छूते हुए विहार करे, अगर सफेद कपड़े है ना, सफेद कपड़े के चप्पल, अरे काले चप्पल हो या सफेद चप्पल हो, चप्पल के साथ में विहार हो वे साधु नहीं। मुनिराज की बात है, ओ ये भावलिंगी संत, काले चप्पल और सफेद चप्पल, कोई भी चप्पल के साथ में विहार नहीं होता। काले चप्पल सफेद चप्पल अर्थात ये जो पाप के विकल्प है वे काले चप्पल है, पुण्य के विकल्प है ये सफेद चप्पल है, और ज्ञान का जो विहार होता है उस विहार में तो नग्नता है, वहां पुण्य पाप के विकल्प नहीं। ऐसी जो ये ज्ञान के विहार की यात्रा भगवान, ये चैतन्य की यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा, वो कहां जाए, वो वन में दिखता है मगर ज्ञान में यात्रा हो रही है। ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की यात्रा भगवान, आत्मा की ये ज्ञान की, मुनिराज वन में विहार करते हैं। आहार के लिए निकले मगर ज्ञान, आहार लेते हैं, आहार लेते हैं ना मुनिराज, मुनिराज आहार लेते हैं, मगर मुनिराज आहार लेकर के आहार नहीं लेते, आहार मुनिराज नहीं लेते, मेरे में आहार गया ऐसा मानते हैं। कभी मुनिराज को आहार मिले, कभी आहार न मिले, ऐसा हो सकता है ना? अंतराय आ जाए कभी कि मुनिराज को आहार न मिले, कभी अंतराय नहीं आया तो मुनि को आहार मिला, मुनि को आहार मिले न मिले, मगर मुनि आहार न मिले तो मुनिराज जागृति है अंतर में, एक समय के लिए भी आहार नहीं मिले तो आहार मेरे में जाता ही नहीं, आहार मेरे में नहीं जाता। पहली बात ये कि मुनिराज की श्रद्धा में ये है कि एक बार भी, एक समय भी ऐसा नहीं आया कि जब अंतराय आया हो आहार में। ज्ञान का, चैतन्य का विहार, और चैतन्य ही आहार, और इतना भोजन किया मगर भोजन करके भी मेरे में भोजन नहीं गया। भूतकाल में अनंत ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, अनंत ज्ञेयों का भक्षण किया न, मगर खाकर के भी जो नहीं खाता, जिसके अंदर नहीं जाता, ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जानने में आते हैं मगर ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में नहीं जाते, और एक समय के लिए ज्ञान की पर्याय में अंतराय नहीं आया, ये स्वभाव है, स्वभाव में अंतराय नहीं आता। ये देह की क्रिया में आहार विहार, इन सब बाहर की क्रिया में अंतराय आ जाए
मगर मेरी यात्रा अंतर में ये जागृति, और ये जागृति भीतर में रहती है चैतन्य 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 जागृति, और अज्ञानियों को बाहर में दिखता है अरे मुनिराज आए बिना कपड़े के, हाथ में पीछी है कमंडल है, बस इतने तक बात खत्म हो गई। भीतर में जो अंतर में चल रहा है उसको पहचानने वाला प्रज्वलित ज्ञान दीपक होगा। हे ज्ञान दीपक, भावलिंगी संत की पहचान तुम्हें होगी, मगर वह पहचान तुम्हें तब होगी जब तुमने ज्ञान की यात्रा और ज्ञान का जानना जानना, ये ज्ञान का विहार यदि तुमने समझा हो तो, बाकी तो बस वहां ज्ञान की यात्रा, ज्ञान का आहार, ज्ञान का विहार, देह के परमाणु जिसके साथ भगवान आत्मा का कोई संबंध नहीं, ये परद्रव्य और प्रभाव, प्रभाव क्यों उत्पन्न हुए, ये देह के परमाणु अभी यहां पर क्यों है, ये परमाणु अभी यहां क्यों है, तुम गैर हाजिर होने का अभ्यास तो करो, तुम तैयारी तो करो, पहले लेटते तो हो ना, गद्दे तक पहुंचते हो, तकिया लगा देते हो, चदर ओढ़ लेते हो, रजाई ओढ़ लेते हो, तुम इतनी तो तैयारी करो, और नींद कब आएगी पता नहीं, मगर उसकी पूर्व तैयारी, पूर्व तैयारी इतनी है कि यहां ये मिट्टी से गैर हाजिर होने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसी तैयारी जहां है वहां उपयोग अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहता, ये तो ऐसा है। इसलिए ये मस्तानों का मार्ग है, ये दीवानों का मार्ग है, ऐसा ये तो बुद्धि से पार हो गया उसका मार्ग है। ज्ञानी बुद्धि से पार हो गया, ज्ञानी में अब बुद्धि नहीं रही। पागल भी ऐसे पागलखाने में होते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं, कहते ना बिना बुद्धि का, पागल भी पागल खाने में है, मगर ज्ञानी का जो पागलपन है उसमें बहुत अंतर है। वो जो बाहर पागल खाने में देखते हैं और ज्ञानी का पागलपन, वह जो पागल खाने में देखते हैं वह पागल ऐसे पागल है जो बुद्धि थी, बुद्धि से नीचे गिरे हुए, बुद्धि से नीचे गिरे हुए, और ज्ञानी बुद्धि से ऊपर उठ गए, ये एक निराला पागलपन है जो बुद्धि से ऊपर उठ गए, बुद्धि को नीचे छोड़ दिया, याद नहीं रहता, याददाश्त नहीं, मगर ऊपर बादल तो नीचे रह गए, विमान ऊपर चला गया, बुद्धि तो नीचे रह गई। ज्ञानी की यात्रा तो चैतन्य 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 की यात्रा, तो फिर ये जागृति भगवान चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जागृति, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये विचार करते करते उस समय इतनी दृढ़ता हो, इतना क्षणिक का बोध हो कि उपयोग अब न्यायक देव में ढले, उपयोग स्वरूप सन्मुख हो, और स्वरूप सन्मुख उपयोग हो तो यहां इस जगत में मेरा कुछ लूटने वाला नहीं है,
ये दृढ़ता, कोई भी घटना हो ना या कुछ भी लूटने वाला नहीं है, बाहर के विषयों में कहीं पर भी कुछ भी लूटने वाला नहीं है। इतनी अंतर में दृढ़ता जिनके अंतर में है ना, उसका उपयोग सहज अंतर्मुख होगा चैतन्य तत्व विचार से। मैं थोड़ी देर के लिए यहां से गैर हाजिर हो गया, ऐसा एहसास न होगा। इतनी जागृति और होश से भरे रहोगे, इतनी देर के लिए मैं यहां से गायब हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं यहां नहीं था, ऐसा नहीं। ऐसी भीतर में जागृति कि जो बाहर के ज्ञेय है और अनादि अनंत ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो सदा काल गैर हाजिर है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता इस जगत से सदा काल गैर हाजिर है, ऐसा ये मैं भगवान आत्मा, ऐसी जागृति से जो भरा हुआ है वह ज्ञानी है। ऐसी ये जागृति, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व की जागृति तुम्हारे भीतर में प्रकट हुई, बस अगला कदम तुम्हारा होगा कि तुम भी भावलिंगी संत होगे। ज्ञान दीपक ऐसे है जिनकी सम्यक दर्शन पाने की भावना है, ऐसे भी ज्ञान दीपक है मुनि होने की भावना, हो गए सम्यक दृष्टि भी, हो गए मुनि भी हो गए, मगर उसके लिए एक ही माहौल कि ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए तो ये सामूहिक रूप से यहां पर ये आयोजन हुआ। इसलिए तुम ऐसे योग में रहो कि जहां तुम्हें याद भी न आए, ये याद भी न आए कि संसार में कहीं पाप और पुण्य है। तुम इतनी चैतन्य 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 की मस्ती में, इसलिए तो ये कहा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए तो सत्संग के लिए बैठना ये क्यों सामूहिक आयोजन है। बैठो तो तुम्हें ये फिर विकल्प भी नहीं आएगा कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। इतने विराट रूप से पहले के जमाने में देखो, आज से कुछ बरस पहले ही, आज जैसे चाचा के लड़के हो, बड़े पापा के लड़के हो, तो बच्चा सब पहचानता है ये बड़े पापा का बेटा, ये चाचा का बेटा। मगर आज से 50-100 साल पहले सब संयुक्त परिवार में रहते थे, बच्चे जन्म से ही ऐसे बड़े होते थे कि उनको पता ही नहीं, ऐसे बड़े होते कौन चाचा का बेटा कौन बड़े पापा, सब हम भाई हैं, सब हम बहन हैं। मैं ये कहता हूं ऐसे माहौल में तुम्हारा यदि विकास हो रहा हो जहां तुम्हें विकल्प भी नहीं आएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं आएगा, ये संगति, ये साथ में रहने का ये प्रयोजन, ऐसे ही संगति में रहना जहां चैतन्य 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 का ही सत्संग होता हो और कुछ भी नहीं। ये विचार हमारे ऐसे, इस प्रकार की हमारे विचारों में ऐसी दृढ़ता हो जाती है, बार बार एक ही प्रकार के योग संयोग में रहकर उसी प्रकार के विचार से खाना पीना खेलना उठना सब एक साथ में, रहना भी एक साथ में, तब फिर वो बच्चा पहचान ही नहीं कर पाता कैसा भेद करूं मैं। ऐसे ही सभी में
इसलिए तो यहां पर वो तैयारी हो रही है ज्ञान दीपकों के लिए। बाहर का जो तुम्हारा परिवार है, तुम अकेले बैठते हो सामने, तुम्हारा पति नहीं बैठता, बच्चा नहीं बैठता, तुम्हारी पत्नी नहीं बैठती, तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं बैठते, वो सब झूठे। इसलिए इसे परिवार कहा। यहां तुम बैठो, मरते समय तुम्हें एहसास ही न होगा कुछ भी छूट रहा है, क्योंकि इस सत्संग से तुमने इतना पा लिया, इतने जागृत हो गए कि गैर हाजिर होने को तैयार हो गए तुम। ऐसी दशा एक ज्ञान दीपक ऐसा है ये स्वरूप। कल रात्रि में मुझे एक विचार आया था जो अभी स्मरण में आया। उस विचार के साथ ही मुझे निंदा आ गई। एक फिल्म का दृश्य मुझे स्मरण में आया और वही विचार चल रहा था। फिल्म का नाम है नाम। चिट्ठी आई है, उस फिल्म का गीत है। वो फिल्म मैंने देखी है। अंतिम दृश्य मेरे स्मरण में आया और वह विचार चल रहा था। ये ऋणानुबंध, उसमें जो नायक है, नायक की मृत्यु होती है अंत में और नायिका की भी मृत्यु होती है अंत में। उस फिल्म में ऐसा दृश्य बताया गया है, जब मृत्यु होती है तब शरीर वहां पर लेटा रहा, मृतदेह वहीं पर ही रहा। जैसे ही नायिका की मृत्यु हुई, उसने सांस लेना तो बंद कर दिया। और उसमें ऐसा दृश्य बताया कि उसका जो आत्मा है वो निकला, जो नायक पहले मर गया था अब उसके पास में जा रहा है। मगर वो जो दृश्य की वो नायक के पास वो आत्मा निकला, उसमें आत्मा जैसा ऐसा एक रूप बताते हैं कि वो जैसे गया यहां से, ऐसे ही रूप में कि शरीर में से वो निकल गया। वो एक दृश्य मेरे अंतर में ऐसा स्थापित हो चुका था बहुत सालों से। वो कल रात में ये विचार आया और अंतिम विचार ये था वो दृश्य कि जैसे ही वो मृत्यु ही सांस लेना बंद हुआ और सांस लेना बंद हुआ और ऐसा ही रूप आकार, ऐसा ही जैसे हवा हवा हो और हवा हवा जैसे जैसे बादल हो, वो एक ही ऐसे आकार का वो उड़ता उड़ता जा रहा हो जैसे आत्मा। मगर वो दृश्य ऐसा था कि शरीर पड़ा है, अब सांस लेना बंद हो गया और आत्मा देखो बाहर गया, आत्मा बाहर निकल गया शरीर में से।
कुछ ही सेकंड के लिए वो दृश्य है कि आत्मा शरीर में से बाहर गया। और उस समय ही मुझे ये विचार आया, सांस बंद हो गई। और ये चैतन्य ये शरीर में से बाहर निकला, बाहर निकला नहीं, जितना मैं देखता हूं वहां तो इतनी दूरी बताई कि आत्मा जा रहा है, जा रहा है, मगर आत्मा जा रहा है, वहां शरीर में सांसें नहीं चल रही, वहां बिल्कुल जड़ता। और आत्मा जितना तुमने 2 सेकंड के लिए वो दृश्य दिखाई दे, मुझे वह दिखाई दिया कि अनादि अनंत जो देह में है ही नहीं, ऐसी ये चैतन्य की ध्रुवता जो शरीर में से निकली, ऐसी नहीं जो बाहर जो जाती हुई तुम्हें दिखाई देती हो, मगर वो जाती हुई दिखाई दे मगर अंदर कहीं देह में नहीं गई। सांस तो बंद हो गई, फिर रात्रि में चली होगी सांसें, मगर अंतिम विचार ये, तुम्हारी समझ में आना बहुत मुश्किल है यदि तुम प्रयोग न करो। जिनके भीतर में ये प्रयोग शुरू हुआ तुम पाओगे। फिर तो पूरी रात्रि में यही चलता रहा जो मैं ज्ञान दीपकों से कल कहता था, वही विचार मुझे आया। फिर ये देह क्या, फिर कर्म के उदय क्या, फिर ये सब मिथ्यात्वादी ये कर्म ये क्या, कुछ भी नहीं, उदय नहीं, उदय भी मैं नहीं और देह भी मैं नहीं, कोई उदय नहीं, कर्म का उदय मुझ में नहीं है और कर्म का बंधन भी मुझ में नहीं है। उदय नहीं है क्योंकि बंधन ही जब नहीं है तो उदय कैसा, बंधन ही नहीं है तो उदय कैसा, उदय तो नहीं है बंधन भी नहीं है। ये विचार जब चला और आज सुबह नींद खुली, आंख खुली, और कल जो मैं आपको 21-21 बता रहा था उसे ही मुझे ज्ञान दीपक स्मरण में आए। 21-21 आज का दिन, 21-21 का दिन है, 2-1-21, 2-1 आज 21 है और साल भी 21 है। 21-21 जहां बंध ही नहीं है तो उदय कैसा, उदय है ही नहीं, कोई भी उदय नहीं, उदय है ही नहीं, उदय जिसमें है ही नहीं वह ध्रुव चैतन्य सत्ता में उदय नहीं, क्योंकि औदयिक भाव के 21 भेद है वो मुझे स्मरण में आए। 53 प्रकार के जो पंच भाव के प्रभेद है उनमें 21 प्रकार के औदयिक भाव होते हैं, और मुझ में कोई भी उदय नहीं है क्योंकि बंध भी नहीं है, और बंध नहीं है सर्वघाती प्रकृतियां जो होती है वे 21 होती है, कोई भी बंध नहीं है। मुझ में औदयिक भाव भी नहीं, मुझ में सर्वघाती प्रकृति के द्रव्य कर्म भी नहीं, जब बंधन ही नहीं है तो उदय कैसा। पर 21-21-21-21 ये चलता था तो 42 हो गया, तो फिर मुझे याद आए 142 ज्ञान दीप। चैतन्य 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 भेद विज्ञान, हे ज्ञान दीपक, भव्य और अभव्य से न्यारा ऐसा चैतन्य, ऐसा जीवत्व नाम का जो पारिणामिक भाव
इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान। मैं अभव्य नहीं हूं और मैं भव्य भी नहीं हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। अभव्य तो नहीं हूं, भव्य भी नहीं हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। इसलिए तो चैतन्य मात्र ऐसा जो पारिणामिक भाव, उसे परम पारिणामिक भाव कहा। भले ही भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों काल में टिक कर रहते हैं, ये नित्य है, फिर भी परम न कहा, जीवत्व, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये परम पारिणामिक कहा। मैं अभव्य भी नहीं, मैं भव्य भी नहीं, दोनों में नहीं, मैं एकमात्र चैतन्य। आज का दिन दो एक का दिन है, मैं दोनों नहीं हूं, मैं तो एकमात्र चैतन्य हूं। मैं अभव्य भी नहीं, मैं भव्य भी नहीं, मैं चैतन्य हूं। चैतन्य तत्व विचार इस शिविर के लिए जो विषय चुना था, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसके पीछे भी यही कारण था। त्रिकाल चैतन्य मुख्य रूप से यही बताने का भाव था। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, त्रिकाल चैतन्य, ये तीनों काल में फैला है जिसका विस्तार, ये चैतन्य। चैतन्य है तो एक, मगर तीनों काल में, तीनों काल में विस्तार फैला है, और तीनों योगों से जो न्यारा है, ऐसा ये चैतन्य। तीन काल में फैला हुआ ये विस्तार, और तीन योग में नहीं फैला हुआ ऐसा ये चैतन्य। चैतन्य का विस्तार तीन काल में है, मगर चैतन्य का विस्तार तीन योग में नहीं है, ऐसा ये स्वरूप। वर्तमान में ये देह है तो भगवान आत्मा ये चैतन्य, चैतन्य ये देह के परमाणु के साथ में फैला नहीं है, मगर कल का दिन एक तारीख का, कल का दिन तीन तारीख का, ऐसे ही भूतकाल और भविष्य काल के ये सब, तो वहां सब तीनों काल में ये चैतन्य सत्ता का विस्तार है और देह के परमाणु में विस्तार नहीं। तो यहां से तो होता है भेद विज्ञान की तीन योगों से न्यारा और तीनों काल में फैला ऐसा मैं भगवान आत्मा, ये भेद विज्ञान। तीन कहते ही वो तीन नहीं है, वो तीन कहते ही वो तीन में एक व्याप्त है, और मन वाणी और काया ये तीन कह के तीन नहीं, वो सब पर कह के एक की श्रेणी में लेना है, सब एक ही। तीन भेद जो कहे ना योग के, मगर है तो सब योगी। ऐसे ही चैतन्य 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 ये तीन काल में फैला और राग के विकल्प में जो नहीं फैला, कल के साथ संबंध, परसों के साथ संबंध, संबंध माने समझाने के लिए, बाकी तो एक ही है, मगर कल परसों ऐसे अनंत काल तक जो फैली है ये चैतन्य की रेखा, मगर वर्तमान में उत्पन्न होने वाले ये बोलने के विकल्प में जो सत्ता फैली नहीं, ऐसे ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये मैं हूं, ऐसी श्रद्धा, ये योग से उपयोग का भेद विज्ञान हुआ। ये चैतन्य 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 तीन है, मगर तीन नहीं है, वो एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीन है, मगर मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, ऐसा। तीन में भी वाह।
तीन में भी ये जो व्याप्त है वह तो एक है। एक एक सम्यक दर्शन अलग, मोक्ष मार्ग सम्यक ज्ञान दूसरा, सम्यक चरित्र तीसरा, ऐसा नहीं है। ये एक ही मोक्ष मार्ग तो एक है ना, ऐसा ये चैतन्य 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 ये तीन बार, मगर तीन बार में वो तीन नहीं है, वो एक है। एक मेरा चैतन्य, एक तुम्हारा चैतन्य और एक कोई और तीसरे का, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट की ही बात है, चैतन्य 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 ये मेरी ही बात है। तीनों काल में जिसका विस्तार है, मगर तीन योग में जिसका विस्तार नहीं है, ऐसा मैं भगवान आत्मा स्व संवेदन में कोई भेद नहीं, जिसका आश्रय लिया ऐसा भगवान आत्मा, ये स्व संवेदन में भेद नहीं। वेद में भेद है मगर संवेदन में नहीं। चौथे गुणस्थान में वो नारकी नपुंसक है, यहां पर मनुष्य में स्त्री पुरुष है, मगर वो जो स्व संवेदन है। वेद के तीन भेद हो मगर चैतन्य 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 की जो एकता और उसका संवेदन होना, उसमें भेद नहीं है, ऐसा स्वरूप है। वेद से न्यारा ये स्व संवेदन है। तीनों काल में व्याप्त होकर के भी सिमटने का समय आ गया। उपयोग को सिमटने का समय आया। शब्द भले तीन हो, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती, मगर गुप्ती तीन नहीं है। गुप्ती तो एक स्वरूप में गुप्त होना गुप्ती है, ये तीन से भ्रमित मत होना। ऐसे ही चैतन्य 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 ये है तीन, मगर तीन नहीं है, ये तीन में एक है, ऐसा। तीन बार होने से वो तीन काल वाला जो है, वो तीन काल वाला ऐसा भेद मत समझना, वो तीनों काल में एक को ही देखना, ये तीनों काल में एक। इसलिए तो काल को तीन काल कहा ना, तीनों काल में। तीन भेद भले कहे, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, कौन सा जहर चाहिए, ये सब एक ही है, कोई भी नहीं चाहिए, मोक्ष में बाधक है। उसको एक ही देखना, ऐसा एक ही देखना, देखना ऐसा। तीनों तीन भले कहे मगर तीन में तो एक। आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीन है ना, मगर पंच परमेश्वरी की पूजा आती है, देवशास्त्र गुरु की पूजा आती है, मगर गुरु तो एक ही। आचार्य उपाध्याय और साधु सब गुरु, सभी में गुरु ऐसा। शुद्धि के लिए आचार्य होना जरूरी नहीं है। ऐसी शुद्धता प्रकट हो कि आचार्य, अरे मुनि दशा से ही वो केवल ज्ञान, 8 करोड़ मुनि मोक्ष में गए, आचार्य उपाध्याय नहीं का स्वरूप वहां पर ऐसा है। चैतन्य 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 स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति प्रत्यक्ष। इस शिविर का विषय रखा चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
क्योंकि 3 दिन की शिविर थी, इसलिए चैतन्य 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 रखा। वो किसी ने मुझे कहा, वो मैं नहीं कह रहा। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मगर तीनों दिन का चैतन्य अलग अलग नहीं है, वो तीनों दिन का चैतन्य एक है। ऐसे ये चैतन्य तत्व की मस्ती हे ज्ञान दीपत्व में प्रकट हो, भेद विज्ञान बना रहे। अभी आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में ये शिविर का आखिरी दिन है। अगली शिविर, ऑनलाइन शिविर तो अभी नहीं होगी, जब तक आगे न कहेंगे तब तक। मगर चैतन्य तत्व विचार के लिए हम प्रयास करेंगे कभी कभी मिलने का, और अब आपको ज्यादातर भूतकाल में जो चैतन्य तत्व विचार हुए वो भेजे जाएंगे, उन्हें सुनना। और उन्हें सुनकर के आपको कोई शंका होती है तो उस शंका का समाधान भी करेंगे। आप ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट भी ज्यादातर सभी के आ चुके हैं, कुछ उंगली में गिने जा सके ऐसे कुछ बाकी है हीरे, बाकी तो सभी के आ चुके हैं। किसी भी समय, किसी भी संयोग में, किसी भी परिस्थिति में यह चैतन्य तत्व की जागृति आपको बनी रहे, इसके लिए मैं ज्ञान दीपकों से, आज इतने ज्यादा ज्ञान दीपक थे कि सभी को नहीं मिल पाया हूं, तो आज जिनका नंबर था उनको कल मिलूंगा, या फिर आगामी दिनों में कभी अनुकूलता रहेगी तब आपको जानकारी दे देंगे। और हर महीने में जो एक बार ज्ञान दीपकों का उद्घोष होता है, वह उद्घोष होता रहेगा, उसके लिए जब जब भी यहाँ पर अनुकूलता होगी तो एक शिविर का भी आयोजन करेंगे उमराला में, कि जहाँ पर नए ज्ञान दीपकों को जोड़ सके। और इन 3 दिनों के दौरान नए वर्ष के शुभारंभ में आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे ये सत्संग करने का अवसर मिला। अंत में सार इतना ही कहता हूं कि जितना भी सत्संग हमने किया, बस तुम्हारे भीतर में अब तुम्हें जितना देना था उतना तो दे दिया, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथी हो, अब तुम्हें ही यात्रा करनी है। जहां से मैं सोचता हूं कि जितना तुम्हें प्राप्त है उतने में ही यदि तुम विचार करोगे तो भी मुझे अब नया बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समस्त परमात्माओं को यदि भविष्य में सत्संग सुनने को न भी मिले तो भी उसकी तैयारी रखना। हर समय जो कुछ भी सुना है उसका ही विचार चलता रहे, अधूरापन कभी न लगे, खालीपन कभी न लगे, आनंद आनंद और आनंद को भोगना वही स्वभाव है। दुख का विकल्प भी उठे तुरंत ही देखना कि दुख का मुर्दा नीचे है और चैतन्य आत्मा अनादि अनंत दूर है। दुख के मुर्दे को देखना,
दुख में भी एकत्व मत करना और तब तुम पाओगे आनंद घन, चैतन्य घन, अनादि अनंत। ऐसे यात्रा में कुछ दिन क्या होते हैं, मगर कुछ दिन का ये सत्संग तुम्हारे जीवन में ऐसा अभूतपूर्व क्रांति ला सकता है। जलते हुए दिए की संगति में न जलते हुए दिए को हजारों घंटे तक नहीं रखना पड़ता। एक क्षण भर की संगति न जलते हुए दीपक को जलता कर देती है। हमारा सभी का ज्ञान दीपक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी और परम कृपालु देव के जलते ज्ञान दीपक के संग में रहे और सदा प्रज्वलित रहे। हम अनंत अनंत ऋणी हैं इन दोनों सदगुरु देव के अनंत अनंत ऋणी है। मुझ पर तो दोनों का ऋण है। और तीसरे एक आप कि जिनके निमित्त से मुझे इस जीवन में इतना सत्संग करने का अवसर मिला, वरना कौन सुनता मुझे, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी आप परमात्माओं ने मुझे सुना है, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया है, इतना प्रेम और वात्सल्य दिया है। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।